योगः कर्मसु कौशलम् स्वस्थ तन एवं मन की प्राप्ति हेतु भारतीय साधना पद्धति योग जो कार्य की संपूर्णता के लिए प्रेरित करता है। योग को जाने, योग को जीवन में शामिल करें योग गुरु मानसी गुलाटी के संग, ताकि स्वस्थ आनंदमय जीवन हो। योग जीवन निरोग। नमस्कार, मैं मानसी गुलाटी। योग जीवन निरोग में आज आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं योग एंड माइंडफुलनेस के ऊपर। हाल ही मेरी बुक भी रिलीज हुई थी योगा एंड माइंडफुलनेस के ऊपर, तो मैं सही मायने में आज आप लोगों को योग का मतलब बताती हूँ। योग का मतलब सिर्फ मंत्र को जपना नहीं है, योग का मतलब सिर्फ आसन को करना नहीं है। योग इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। आप कोई भी काम करो, उसको पूरा करो, वही योग है। तो योग का मतलब यही होता है। आजकल के लाइफस्टाइल में, या पहले भी ले लीजिए, लोग क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको ये ही नहीं पता कि उनको करना क्या है। आज हम इसके बारे में सोच रहे हैं तो कल किसी और चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो विजन होना, लाइफ में क्लैरिटी रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो हम आसन करेंगे योगा एंड माइंडफुलनेस के ऊपर, वो बहुत ही अच्छे रहेंगे, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर एवरीवन, क्योंकि सबको सही रास्ते पे लाना योग ही कराता है। सबको सही डायरेक्शंस दिखाना भी योग कराता है। तो मैं चाहती हूँ आज के आसन आप मेरे साथ में फॉलो करिए और अपने आप को सही जगह पे लेके आइए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो मेडिटेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। मेडिटेशन, जिस तरह से मैंने आपको बताया, मंत्र को ही जपना नहीं होता। तो पहला मेडिटेशन कर रहे हैं जिसमें आप अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे। आज अगर हम अकेले हैं, हमारा कोई दोस्त नहीं है, हम ही अपने दोस्त हैं। तो अपने आप को अंडरस्टैंड करना, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए हम अपने आप को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। अपने हाथ को यहीं पे रखेंगे, अनाहता चक्र। अपने मन को शांत करेंगे। हमारा हृदय यहाँ पे होता है। तो आप सिर्फ माइंडफुलनेस कंसंट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। हमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फोकस चाहिए। तो उसके लिए ये आसन सबसे अच्छा रहता है। जब भी आप अकेले बैठे हों, जब भी आप सोचे मेरा कोई दोस्त मेरे से बात नहीं कर रहा, अकेलापन महसूस कर रहे हों,
कुछ भी मत कीजिए, अकेले बैठ के अपना हाथ यहाँ पे रखिए और अपनी सांसों को अंदर से काउंट कीजिए। जब आप इस अभ्यास को करेंगे आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं लगेगा और आपको पता लग जाएगा हमें इतनी क्षमता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्रिया थी, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। अभी मैं चाहती हूँ एक क्रिया आप और कर लीजिए, ये भी माइंडफुलनेस के ऊपर ही है, बहुत अच्छी क्रिया है। इसको किस तरह करेंगे, भ्रामरी क्रिया है। क्रिया करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, जब हम इसको करते हैं मैं काफ़ी लोगों को बोलती हूँ कि आप अपने थंब को कान पूरी तरह बंद मत करिए, सिर्फ रखिए। तो आप ध्यान रखिए कि हम किस तरह से कर रहे हैं, भ्रामरी क्रिया कर रहे हैं हम। हमिंग साउंड करेंगे, हम चार से पांच बार इसको करिए, बहुत अच्छा रहता है, इतना अच्छा वाइब्रेशन फॉर्म होता है, हम लोग बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसको ज़रूर कीजिए माइंडफुलनेस के ऊपर, ये सबसे पहला लेसन है आप लोगों के लिए। अभी मैं आपको दूसरा लेसन देने जा रही हूँ माइंडफुलनेस के ऊपर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें टाइम प्लानर होना चाहिए, हमें हर चीज़ का टाइम यू नो पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो पंक्चुअल रहना चाहिए, अपने टाइम को बांटना चाहिए, किस समय क्या करना है, किस समय क्या नहीं करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ लोग तो आधी चीज़ें छोड़ देते हैं बिकॉज़ वो टाइम ही नहीं प्लान कर पाते हैं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको टाइम प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका दूसरा लेसन है। और जो लोग टाइम प्लान नहीं कर पाते उनके लिए भी मैं एक आसन बता रही हूँ, ये बहुत इजी आसन है। इसको किस तरह से करेंगे ध्यान से देखिए, इसको हम बोलते हैं सुखानासन। सुखासन में बैठ के, सुखासन में बैठेंगे हम लोग, फोल्ड में ही रखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को फोल्ड में रखेंगे, होल्ड करेंगे इस तरह से हाथ को। रिलैक्स। अब इसमें हम आसन करेंगे, ये बहुत अच्छा आसन है। मैं चाहती हूँ आप लोग बहुत पंक्चुअल हो जाएं, समय से पहले ही पहुँचें हर जगह पे। तो बहुत सिंपल है, इस तरह से करेंगे। अभी आपको एक्सेलेशन करना है,
तो सुखासन करना बहुत ज़रूरी है। इसको करने से हम लोग टाइम प्लानर हो जाते हैं, पंक्चुअल हो जाते हैं, क्योंकि जब आप बॉडी से टॉक्सिन्स को एक्सलेशन कर रहे हैं, बैड टॉक्सिन्स को क्लियर कर रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम लोग भूल जाते हैं, तो भूलना की जो प्रक्रिया रहती है, आपको हर चीज़ हर समय पे याद रहेगी, तो इसको रोज़ ज़रूर कीजिए। तीसरा लेसन मैं आपको देना चाहती हूँ माइंडफुलनेस के ऊपर। मैं चाहती हूँ आप लोग नेगेटिव एनवायरनमेंट में नहीं रहें, तो से ऑलवेज नो टू नेगेटिव एनवायरनमेंट। अभी हम लोगों को पता नहीं लगता कि नेगेटिव क्या है। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ नेगेटिव चीज़ें क्या होती हैं। कोई आपके बारे में गलत बात कर रहा है, वहाँ से उठ जाइए, क्योंकि हम ये सब चीज़ें लेके हमें ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए हम हमेशा अच्छे माहौल में ही बैठे। अभी क्लासरूम में कितने बच्चे बैठे रहते हैं, उसमें कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग हमेशा अच्छा ही बोलिए, और जो बच्चे नेगेटिव बात कर रहे हैं उनको भी अच्छा बोलना ही सिखाएं। तो ये होता है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव एटीट्यूड होने का प्रसोना। तो अभी मैं उसके लिए भी आपको एक आसन कराऊंगी, जिसमें आपको हमेशा पॉजिटिवनेस फील होगा और हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों से दूर रहेंगे। तो बहुत सिंपल है, इसको हम मत्स्य आसन की तरह ही करेंगे, लेकिन देख लीजिए इसको किस तरह से करना है। मत्स्य आसन में हम लोग पद्मासन करते हैं, इसमें पद्मासन नहीं करेंगे। इसमें अपने बॉडी को आगे करके पूरी तरह फोल्ड करेंगे और अपने हाथ को यहाँ पे रखेंगे। This asana gives you very positive energy. So this is specially for the people जो negative सोचते हैं, उनको positive करने के लिए। हम दोबारा करेंगे इसको, थोड़ा सा सहारा भी ले सकते हैं आप। अपने हाथ को यहाँ पे रखिए, रिलैक्स करेंगे। लास्ट टाइम करेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे, उठ जाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आज आपको बता रही हूँ माइंडफुलनेस के ऊपर। माइंडफुलनेस रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग इतने वीक हो चुके हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं, क्योंकि उनको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो चुका है। तो मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ आज ये पूरा एपिसोड करें और अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, ताकि कुछ भी हो हमें कोई फ़र्क ना पड़े।
और अभी नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ माइंडफुलनेस के ऊपर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपनी चीज़ों को मैनेज करना। अपनी चीज़ मतलब जैसे हमारे एंगर को मैनेज करना, हमारे इमोशंस को मैनेज करना, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। बाहर की चीज़ें तो होती रहती है मैनेज। तो अब हम सबसे पहला मैं आपको एंगर मैनेजमेंट करना सिखा रही हूँ, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशंस। तो एंगर को कैसे कंट्रोल करते हैं, हाथ को इस तरह से रख लेंगे, अभी फेस को टाइटली होल्ड करेंगे, छोड़ देंगे। सारी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज को आप पकड़ रहे हैं और आप सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए हम किस तरह से कर रहे हैं। इससे आपका गुस्सा, आपका माइंड, आपके इमोशंस पूरी तरह कंट्रोल हो जाते हैं। होल्ड करेंगे सबसे पहले नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को, फेस को भी टाइटली होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। तीसरी बार करेंगे, होल्ड कीजिए, छोड़ दीजिए। सबको पकड़ा और छोड़ा, फिर गुस्सा क्यों? तो ये बहुत अच्छा आसन है आपके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, आपके माइंड को पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए। स्पेशली मैं चाहती हूँ हर स्कूल में, हर कॉलेज में ये आसन को कराना चाहिए, ताकि जो लॉट ऑफ सुसाइड केस जो हो रहे हैं वो बिल्कुल ही बंद हो जाए, माइंड हमारा पूरी तरह कंट्रोल हो जाए। तो इसको रोज़ ज़रूर कीजिए। अब इमोशंस की बात मैं कर रही थी, इमोशंस को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। इमोशंस इम्बैलेंस होते हैं, हमारा खाना भी ज़्यादा हो जाता है, उससे हमारा वेट भी बढ़ जाता है। तो मैं इमोशंस को भी कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ बताती हूँ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपना हाथ यहाँ पे रखेंगे, फिंगर्स हमारे अपार्ट रहेंगे, ये जो प्रेशर होता है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेशर होता है। अभी इनहेल करेंगे, एक्सहेल, रिलैक्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इस आसन को करने से आप इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं और इम्बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टोटली कंट्रोल रहेंगे, इमोशंस को कंट्रोल करेंगे और अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ तीन आसन आज आपको सिखाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। ये तीन आसन बहुत अच्छे हैं माइंडफुलनेस के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो करेंगे हम इसको, बहुत ही सिंपल है। कॉन्सेंट्रेशन करना, बॉडी को स्ट्रेन नहीं देना, बस अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना। आपके पाँव को सीधा कर लेंगे, अभी आपके हाथ को, हथेली को नीचे लगाएंगे और आपका फोकस यहाँ पे रहना चाहिए, thank you.
जब आप इसको करेंगे आप पूरी तरह फोकस कर पाएंगे, आपका माइंड एकदम कंट्रोल होगा। बिकॉज आप लोग क्या करते हैं, हम लोग आसन भी करते हैं लेकिन हम लोग ध्यान नहीं लगा पाते। जब आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, जैसे मैं पानी भी पी रही हूँ तो मुझे वो पानी भी फील होना चाहिए, तभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप पानी पी रहे हैं तो कोशिश करिए आप बैठ के ही पानी पीजिए। हम लोग नेचर से हैं, योग भी नेचर से आया है, तो इसको प्रॉपरली फॉलो करिए और अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से मैंने आपको ये बताया, अभी फोल्ड करेंगे, आपके पंजे नीचे रहेंगे, आपकी एड़ी ऊपर रहेंगे, यहाँ पे अपना हाथ रखिए, फोरहेड को नीचे रखिए, थोड़ा सा और ऊपर करेंगे आप। रिलैक्स, छोड़ देंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि हमारा माइंड पूरी तरह कंट्रोल रहे। बहुत ही ज़रूरी है, आज हमारी सारी मानसिक बीमारियां सब माइंड से उत्पन्न होती है। बैठे बैठे हम लोग क्या क्या सोच लेते हैं। सबसे पहले आपके माइंड थॉट वेव्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको नेक्स्ट आसन बता रही हूँ, ये भी ज़रूरी रहेगा आपके माइंडफुलनेस के लिए। इसको भी देख लीजिए किस तरह करना है। इसको त्रिकोण आसन बोलते हैं, लेकिन हम इसको किस तरह से कर रहे हैं वो ध्यान से देखिए। आप पूरा ट्रायंगल ही बना हुआ है ये। अभी आप हाथ को स्ट्रेच करेंगे, इंटरलॉक करना बहुत ज़रूरी है। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे तो आपका माइंड, आपकी बॉडी पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगी। तो इस साइड पे करेंगे, तो दिस इज़ ऑल्सो बेस्ट रिलैक्सेशन। दिस इज़ फॉर माइंडफुलनेस, एंड माइंडफुलनेस का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है। नो डिस्ट्रैक्शंस, विजन शुड बी क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अभी हम आगे बढ़ेंगे, एक और आसन मैं आपको कराऊंगी, ये भी बहुत ज़रूरी है माइंडफुलनेस के ऊपर। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा हम खड़े होंगे, आधे ही खड़े होंगे, सारा वेट आपके पंजों की तरफ है। अपने हाथ को बैलेंस करिए, और ऊपर करेंगे, रिलैक्स। बहुत
बॉडी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, माइंड का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, तो इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे, आगे आसन करेंगे, वो भी बहुत उपयोगी हैं, बहुत अच्छे हैं माइंडफुलनेस के ऊपर, तो देखिए वो क्या कैसे करना है आपको। इसमें हम जिस तरह से त्रिकोण आसन कर रहे हैं, अभी आपके पाँव को खोलेंगे यहाँ पे, इसी तरह से रहने दीजिए और राइट हैंड को आगे करिए। रिलैक्स, चेंज करेंगे, अभी धीरे से आगे जाएंगे। रिलैक्स हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन था माइंडफुलनेस के ऊपर, एक तीर कमान की तरह हमने इसको किया। चलिए इस तरह से इसको रोज़ कीजिए, योगा एंड माइंडफुलनेस के ऊपर। स्पेशली आज मेरा सेशन बच्चों के ऊपर था, ताकि मैं चाहती हूँ आप लोग फोकस रहें, आप लोग हमारा इंडिया का प्राइड हैं और हम लोगों का नाम रोशन कीजिए। तो इसी तरह से योग कीजिए और अपनी ज़िंदगी को निरोग करिए। धन्यवाद। अब मैं आपको बहुत अच्छी हेल्दी टिप्स देने वाली हूँ योगा एंड माइंडफुलनेस के ऊपर। माइंडफुलनेस मींस अपने माइंड को पूरी तरह कंट्रोल करना। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें अवॉइड करना चाहिए ऑयली फूड, जंक फूड्स, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको अवॉइड करने चाहिए एंड नेगेटिव एनवायरनमेंट में आपको नहीं बैठना, ऑलवेज स्टे इन पॉजिटिव एनवायरनमेंट। एंड साथ में आप क्या खा सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सात्विक खाने का आहार आप लोगों को लेना है। आपको जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन लोगों को नॉनवेज छोड़ देना चाहिए, बिकॉज जब आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है तो हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और तेज मसाले हमें नहीं खाने चाहिए, नॉर्मल ही रखिए अपने खाने को। तो ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। और जब आपको लगता है आप थोड़े डिप्रेस हो रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, तो आपको लहसुन, जिंजर, ये सब चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ज़मीन के नीचे जितनी भी चीज़ें होती हैं, राजसिक फूड बोलते हैं हम उसको, वो बहुत ही गर्म होता है। तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें। सिंपल खाना खाएं, दही लीजिए, दूध लीजिए, पनीर लीजिए, लेकिन इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। अब ज़मीन के ऊपर जो चीज़ें होती हैं, सात्विक खाना लाइक पपीता हो गया, कोकोनट हो गया, जो ऊपर हो गया, टमाटर हो गया, इन सब चीज़ों का आप सेवन करिए, इनकी सब्जी बनाइए, हरी वेजिटेबल्स खाइए और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।